कैश ट्रांजैक्शन और काले धन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार अब नकद लेन देन पर रोक लगाने वाली है। मतलब अभी तक सरकार की ओर से नकदी लेन देन की सीमा 3 लाख थी, लेकिन अब ये सीमा घटकर 2 लाख रुपए की जाने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रस्ताव रखा कि 2 लाख से ज्यादा नकद लेन देन पर 100% जुर्माना लगाया जाना चाहिए। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अडिया ने इस बात की जानकारी दी। बजट 2017-18 में 3 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया गया था। इसका मकसद काले धन पर अंकुश लगाना था। कैशलेस इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने पिछले महीने 3 लाख से अधिक नकद लेन देन पर सीमा तय की थी। काले धन पर SIT की सिफारिशों के बाद ये फैसला 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा। आपको बता दें कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा है, नकद लेन देन पर भारी जुर्माना लगेगा। जो शख्स जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा। मतलब साफ है कि जितनी राशि स्वीकार की जाएगी उतना ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि आप 4 लाख रुपए नकद स्वीकार करते हैं तो आपको 4 लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा। इसी तरह 50 लाख रुपए नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपए होगी। ये जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपने अंतरिम रिपोर्ट में एक सीमा से अधिक नकद लेन देन पर रोक लगाने और 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर कर लगाने की सिफारिश की है। ऐसे में सरकार का ये कदम काले धन के ट्रांजैक्शन करने वालों पर भारी पड़ने वाला है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।